सो वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि NIMCET NIT MCA एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कहाँ पे जाकर के फिल करनी होगी, कैसे फिल करनी होगी, किस तरीके से फिल करनी होगी, इस वीडियो में आप देखेंगे स्टेप बाई स्टेप। सो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बनाया गया है ओके, जिसका नाम है इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आपको क्या करना होता है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए फॉर्म तक गूगल सर्च करना है, ये फील टाइप करना होगा जो मैंने टाइप किया हुआ है। ये टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करनी है, देन आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको आगे बढ़ने से पहले ये फॉर्म फिलअप कर देनी होगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि थैंक फॉर इंटरेस्ट, जो भी यहाँ पर आप क्या करना होता है इस फॉर्म में कि अपना डिटेल फिल करनी होती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन टू गेट द सजेशन बेस्ट कॉलेजेस एंड फ्री काउंसलिंग। सो फुल नेम क्या है आपका, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सेलेक्ट योर स्टेट एंड सेलेक्ट योर करेंट सिटी, अपना इंटरेस्टेड कोर्स सेलेक्ट कीजिए और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल कीजिए, सेलेक्ट कीजिए वही एग्जैक्टली सेलेक्ट कीजिए, फिर आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कीजिए। जो इससे ये होगा कि आपको जो देश के जो भी बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट सजेशन कॉलेजेस आपको सजेस्ट करेगा कि आप इसमें भी ले सकते हैं, बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी होगी आपको इंस्टीट्यूट्स, तो उसके बारे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगी ईमेल आईडी आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, राइट। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। अब एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कहाँ पे चेक करनी है, किस जगह पे मिलेगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके बारे में वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया है। आप कहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, कैसे फिल कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड के लिए अवेलेबल है, सो रिलीज़ की गई है इन मार्च में ही, सो यहाँ पर ऐसा बोला गया, बट यहाँ पर कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर जब भी रिलीज़ की गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 4 अप्रैल लिखा हुआ है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई रजिस्टर हियर फॉर दी, तो जब भी आप इस यहाँ पर क्लिक करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट को कि देश के टॉप 9th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है, कि मणिपाल यूनिवर्सिटी, UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, VIT ट्रिपल यूनिवर्सिटी, MIT WPU यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू की गई है। आप इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अप्लाई कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख पाएंगे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके अप्लाई करना होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, बट यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन फॉर्म लिंक है, बट यहाँ पर क्या है कि इसमें हमारे देश के जो बच्चे होते हैं, सिर्फ आसपास के बच्चे नहीं आते, दूर दूर के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आता है, और इसमें आपका एडमिशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको 100% प्लेसमेंट रेट मिलने वाली है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाली है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाली है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है, जो बहुत अच्छी बात है। सो आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है ओके। सो जो यहाँ पर है प्रोसेस, कि इसमें सिर्फ आसपास के बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं आते, काफ़ी दूर दूर के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिटी स्टेट होते हैं इंडिया के, हमारे देश के सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो फॉरेन कंट्री के बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो जब आप फॉरेन कंट्री के बच्चों के साथ, लड़की लड़कियों के साथ बातें करते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, आपका माइंड सेट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका लैंग्वेज एक्सचेंज होती है, जो बहुत अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको यही हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इनमें से ज़रूर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में ज़रूर एडमिशन लीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सिंपली हाँ यहाँ पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक करनी होती है, ना कि लॉगिन। पहले रजिस्ट्रेशन लिंक करेंगे एंड देन आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है, तो उस तरह से आपको करना है आपको भी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करनी है, और जैसे आप पर क्लिक करेंगे तो प्लीज़ वेट, तो आपको वेट करनी होगी कुछ समय, तो जब तक लोडिंग नहीं होता। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आप ऑनलाइन फिल करते हैं तो क्या क्या आपको रिकमेंडेड करनी कर दी गई है, तो उसे ध्यान में रखते हुए आपको फिल करनी है। तो आपका ये रिकमेंडेड ब्राउज़र, ये बताया गया कि आपका वर्ज़न वगैरह इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर मोज़िला यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम वर्ज़न, आपको उसको अपडेट करना है, जहाँ पर वर्ज़न आपका इतना होना चाहिए, 72, 80, 90 के बीच में होना चाहिए, इसके बीच में रहेगा तो आप सिंपली आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिल जो भी यहाँ पर स्टार मार्क रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे फिल करना ही करना है, उसे खाली नहीं छोड़ना है। यूज़ माउस टू यूज़ बिटवीन दिस फील्ड टू एंट्री डाटा,
इंस्टेंट टैप की। अच्छा ये भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी है, और क्लोज़ पे क्लिक कीजिए। और ये भी प्राइवेसी नोटिस है, क्लोज़ पे क्लिक करना, नोट्स पे क्लिक करना। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है, जहाँ पर अपना फुल नेम बतानी होती है, आपका फुल नेम क्या है। सो आपका जो भी फुल नेम होगा वो फुल नेम यहाँ पर आप फिल करेंगे, राइट। फुल नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर फिल करनी होती है डेट ऑफ बर्थ। कैलेंडर पे क्लिक करना है, जनवरी ईयर सेलेक्ट करनी है, 1999 जैन 1, ये हो गया। जेंडर मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर यहाँ पर बताएंगे, कंफर्म योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड कंफर्म योर ईमेल आईडी। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, जो कैप्चा आप देख पा रहे हैं। तो कैप्चा में क्या करना होता है, यहाँ पर आपको जो लिखा रहेगा, जो भी यहाँ पर कैप्चा में दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं, तो AYFMESU ये फिल करनी है, एंड एग्री करनी है। एग्री करने के बाद सबमिट करनी है। तो जब भी आप सबमिट करेंगे, ओके, तो जब भी आप सबमिट करेंगे तो आप आगे जाएंगे। यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक बार और रिमेंबर कराता है, प्राइवेसी नोटिस एग्री करना होता है, और एप्लीकेशन नंबर इज़, अब जो भी मेरा है क्लोज़ कर दूंगा। अब ये मेरा सारा हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा, ओके। तो जब ये करता हूँ तो यहाँ पर लोडिंग होता है, जो इंटरनेट स्पीड पे टोटली डिपेंड करता है, ओके। ये होने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ दी जाती है, जिसे आपको देखनी है एंड क्लोज़ करनी है। अब जब ये क्लोज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपका पर्सनल डिटेल फिल करो पहला, सेकंड एकेडमिक डिटेल फिल करो, थर्ड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, बस तीन चीज़। तो फर्स्ट में आप पर्सनल डिटेल कंप्लीट करेंगे, जहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फादर नेम यहाँ पर फिल करूँगा, मदर नेम यहाँ पर फिल करनी होती है, कैटेगरी आप बताएंगे कौन सा कैटेगरी आपकी, और अप्लीकेंट फ़ोटो आईडी, यहाँ पर वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज, ओके। और आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी अब यहाँ पर बताएंगे, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे सिंपली। अब यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर और भी यहाँ पर फिल करनी होती है, अल्टरनेट कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करनी होती है, जहाँ पर पूरा एड्रेस आप फिल करेंगे, एरिया विलेज का नाम बताएंगे, स्टेट बताएंगे आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप महाराष्ट्र से करते हैं तो महाराष्ट्र बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप तालुका बताएंगे, तहसील, और पिन कोड नंबर बताएंगे, जो भी पिन कोड नंबर होगा आपका। पिन कोड नंबर बताने के बाद आपको 7 नेक्स्ट करनी है। सो डेटा सक्सेसफुल यहाँ पर सेव हो गया मेरा, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। सेकेंड एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं एकेडमिक डिटेल्स, यानी कि 10th की डिटेल देनी होगी, फिर 12th की डिटेल देनी होगी, एंड फाइनल एग्ज़ाम डिटेल देनी होगी, फर्स्ट ईयर डिटेल्स देनी होती है, फिर सेकेंड ईयर डिटेल्स देनी होती है, सबकी डिटेल्स यहाँ पर चाहिए, बट कैसे देनी होती है वो तरीका आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, आपको दिया नेम ऑफ द स्कूल, तो आपके स्कूल का नाम, 10वीं क्लास आपने किस स्कूल में पढ़ाई की है, तो यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल, तो स्कूल का नाम बताएंगे, और कौन से बोर्ड में आपने एग्ज़ाम दिया, तो नेम ऑफ द बोर्ड, यानी कि CBSE बोर्ड या फिर कौन सा ही बोर्ड हो सकता है आपका, स्टेट बोर्ड होगा, CBSE बोर्ड होगा, ICSE जो भी होगा वो बताएंगे, और ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, 10th क्लास कौन से ईयर में पास किया, 10th क्लास 2010 में मैं किया, 2010 बताऊँगा, रिजल्ट टाइप बताऊँगा, यहाँ पर परसेंटेज में आए थे और कितने परसेंटेज आए, 87 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। आप 12th का सेम ही स्कूल या कॉलेज का नाम, नेम ऑफ द बोर्ड, और ईयर ऑफ पासिंग 2012, और रिजल्ट टाइप बताएंगे आप परसेंटेज में जो भी आ रहा है, और परसेंटेज बताने के बाद आपको यहाँ पर आंसर देना होता है। फाइनल एग्ज़ाम डिटेल्स यहाँ पर, डिग्री आपकी जो भी आपने किया रहेगा, डिग्री BCA हुआ जो भी हुआ, फाइनल एग्ज़ाम स्टेटस अपेयरिंग, अभी मैं अपेयर कर रहा हूँ ना, तो ऐसा स्टेटस तो बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम भी बता सकते हैं यहाँ पर, इंस्टीट्यूट का नाम बता सकते हैं, फर्स्ट ईयर का बताएं, पूरा डिटेल से होता है, क्या बताना होता है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, अच्छा 7, तो सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, सेकंड ईयर का टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट बताएंगे, और फिल करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट करनी होती है आपको। सो डेटा इज सक्सेसफुल, सेव सक्सेसफुल हो गया, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स अपलोड करनी होती है मुझे यहाँ पर, तो जहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड पेमेंट, तो पहले तो टेस्ट सिटीज प्रेफरेंस, तो यहाँ पर प्रेफरेंस एक बार सेलेक्ट कर लेनी होगी, जो भी आप सिटी, जिस किसी भी सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको
ये टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, आप जो भी चाहें वो यहाँ पर आपकी चॉइस रहेगी। फर्स्ट चॉइस क्या है आपकी, यहाँ पर आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहेंगे, दिल्ली में, गुवाहाटी, हैदराबाद, आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे जाना चाहेंगे। जाना ही जाना है, बट यहाँ पर चॉइस आपकी रहेगी एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस हिसाब से आपका पूरा खर्चा भी रहेगा कि उतना दूर जाओगे तो आप पैसा लगा के जाओगे। जो भी होगा मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर आपकी चॉइस रहेगी। मैं अपना चॉइस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल हो गया। तीन चॉइस, तीनों एक नहीं हो सकता, भुवनेश्वर नहीं हो सकता, डिफरेंट करना ही पड़ेगा आपको, तो दिल्ली कर लेता हूँ। चलो ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि अपलोड योर स्कैन कॉपी योर फोटो, तो आपका फ़ोटो लगेगा यहाँ पर। प्लीज़ अपलोड योर स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, सिग्नेचर का आपका स्कैन कॉपी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप फ़ोटो अपना, पासपोर्ट साइज़ का, सिग्नेचर का और स्कैन कॉपी आईडी वगैरह होगा। प्लीज़ अपलोड योर 10th मार्कशीट, प्लीज़ अपलोड योर 12th मार्कशीट, प्लीज़ अपलोड योर फर्स्ट ईयर मार्कशीट, प्लीज़ अपलोड योर सेकेंड ईयर मार्कशीट। तो ये सारे मार्कशीट या फिर जो भी मैंने यहाँ पर सारे बताए, ये सभी अपलोड करने हैं, अपने डिवाइस से सेलेक्ट करनी है और अपलोड करनी होती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, नहीं, मार्कशीट फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हो गया क्लोज। यहाँ पर लिखा अपलोडेड, ऐसा तो सारा ऐसा करना है आपका, मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर सब ऐसा अपलोड करनी है। फिर पेमेंट डिटेल पे आनी है, जहाँ पर आपको 2,500 रुपीज़ पेमेंट करनी होती है, और डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स ये देखनी है, पढ़नी है। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देता है कि कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करनी होती है। सिंपली आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करनी होती है, जहाँ पर WEQRF76 जो भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिल करेंगे, एग्री करेंगे एंड सबमिट करेंगे। तो जब भी आप सबमिट करेंगे तो आप पेमेंट ऑप्शन पे ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद आप पेमेंट कर लेंगे नेट बैंकिंग यूज़ करके, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, UPI पेमेंट जो भी है। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो भी आप ऑप्शन बेटर लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आपको करना हो उससे कर सकते हैं। सिंपली ये सारी प्रोसेस है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।